अभय देओल की फिल्म ओए लक्की लक्की ओए में डायलॉग था, साड़ी गड्डी था गुडविल नाल चलती है। द लल्लन टॉप की गड्डी इस वक्त करनाल के नीलकंठ पहुंच चुकी है, एक बहुत ही फेमस फूड आउटलेट, फूड जॉइंट, जो कि जीटी रोड पर पड़ता है, हाईवे पे पड़ता है। आप अगर दिल्ली से अमृतसर जा रहे हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो करनाल के पास एक फूड जॉइंट ऐसा पड़ता है जहाँ पर कई सारे आउटलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। जो ये पूरी जीटी रोड आप बहुत हरी भरी देखते हैं, बहुत सारे ढाबे देखते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट देखते हैं, इसका बहुत बड़ा श्रेय हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बंसीलाल जी को जाना चाहिए। जब वो यहाँ पर आए और पहली बारी 1968 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो दिल्ली से चंडीगढ़ एक बार जा रहे थे, तो उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एसके मिश्रा, वो अपनी किताब में जिक्र करते हैं, और राम साहे जो भी, जो कि एक और आईएएस रहे, वो भी अपनी किताब में इसका जिक्र करते हैं कि एक बार दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए उनको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी और गाड़ी रुकवाई गई तो बंसी लाल जी और एसके मिश्रा जी के दिमाग में एक ख्याल आया कि ये जो पूरा आप हाईवे देखते हैं ये बिल्कुल नहीं बसा हुआ है, इसकी बसावट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो पुरुष है वो तो फिर इधर उधर जाकर किसी तरह वॉशरूम जा सकेगा, ऐसे में लेडीज़ क्या करेंगी, एक बड़ा क्वेश्चन था। तो इसी बेसिस पे एक प्लानिंग शुरू होती है। बंसीलाल जी कहते हैं कि यहाँ पर खूब सारे रेस्टोरेंट्स होने चाहिए NH1 पे, और इस पर एसके मिश्रा जवाब देते हैं कि अगर अभी इसकी प्रोसेसिंग शुरू करेंगे तो ये फाइल दर फाइल आगे बढ़ेगी, और जब तक उसकी बनने की बारी आएगी पता नहीं हमारी सरकार भी रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब बंसीलाल जी की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। यह वही दौर था जब हरियाणा में आया राम और गया राम की टर्म बहुत फेमस थी, ज़्यादातर पार्टी के जो MLAs थे वो इधर उधर जाने के लिए जाने जाते थे। खैर, इस पर बंसीलाल ने एक एक्शन लिया और कहा कि एक नया प्रोसेस शुरू किया जाए जिसके तहत एक कमेटी फॉर्म की जाएगी और एसके मिश्रा की देखरेख में यहाँ के जितने भी हम NH1 पर होटल्स बनने हैं, जीटी रोड पर जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट्स बनने हैं, उनका काम तेज़ी से चलाया जाए। ऐसे में ही आप ये पूरा हाईवे जो देखते हैं ये खूब चमक धमक लेता है, और आज साल 2019 में ये हाईवे एक जाना माना हाईवे हो जाता है। ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी इन जीटी रोड के हाईवेज़ की। खैर, हमें लगा कि जब हम नीलकंठ आए हैं तो हम यहाँ के ओनर से भी मिले, जिनका एक वाक्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, चाहे वो साल 2016 में जाट एजिटेशन का वाक्य हो या ये वाक्य हो कि कैसे किसान परिवार ने एक इतना बड़ा रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। तो हमने दरख्वास्त करी कि जो नीलकंठ के ओनर हैं हम किसी तरह से उनसे बात कर सकें और उनसे उनके एक्सपीरियंस साझा कर सकें कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो इसके लिए उन्होंने हमें टाइम दे दिया और हम आगे उनसे इस बारे में बात करेंगे। सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? रविंदर लाठर। yes, yes. अच्छा सर, ये आपका आउटलेट है, फूड जॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है सर, कैसा लगता है आपको? धन्यवाद, ये अपने आप में एक प्राउड फील होता है जब आप जैसे जो अच्छे हैं कस्टमर हमारे पास, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। हाँ। कि हमारा बड़ा अच्छा फैमिली कस्टमर है जी। तो आज नीलकंठ स्टार ढाबा करनाल को एक आइडेंटिफिकेशन वो सिर्फ आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से मिली, अच्छे फैमिलीज की वजह से मिली है। आप ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट मेरे हर जितने भी हैं टोटल फैमिलीज हैं। हाँ। अगर आप थोड़ा सा इधर देखते हैं, आइए हम चलते हैं, दिखाते भी चलेंगे थोड़ा जी। अभी अगर हम आ रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं कि कहते हैं घर में अगर बेटी होती है जी तो एक डिसिप्लिन होता है, माहौल होता है, आदमी को बात करने का तरीका, उसका चलने का और डिसिप्लिन होता है। तो सेम कंसेप्ट वो हमने यहाँ फॉलो किया हुआ है, सो दैट हमारी हर टेबल पे एक आप देखेंगे, अभी अंदर आप मेरे साथ जा रहे हैं या जो आज सराउंडिंग आप देख रहे हो तो बहुत सारी लेडीज आ रही हैं, लेडीज़ है, एटमॉस्फेयर है, तो उस वजह से एक अच्छा फील होता है, वो डिसिप्लिन है, और उसी वजह से आज डे बाय डे कहते हैं जो एक प्रमोशन होती है वो ये फैमिली कस्टमर, मेरी कोई और प्रमोशन नहीं है, मेरी प्रमोशन सिर्फ ये है कि जो ये फैमिली कस्टमर आता है ये माउथ टू माउथ ऐड करता है। हाँ। वही मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है, सबसे बड़ी जीत है। हाँ, मैं अंदर एक कोट भी पढ़ रहा था आपका, जहाँ फीडबैक सेक्शन है वहाँ लिखा था कि अगर आपको अच्छा लगे तो औरों को ज़रूर बताइएगा। एग्जैक्टली, हाँ, उसमें यही है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो औरों को बताओ, और अगर कमी है तो हमारे कान इमीडिएटली खींचो ताकि हम उसको ठीक करें। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा सर, यहाँ पर क्या क्या फूड जॉइंट्स हैं, हम थोड़ा अंदर भी चलते हैं। हाँ, और देखते हैं, मैं आपको एक बार अंदर चल के दिखाता हूँ। ये मैंने कंप्लीट एक फूड कोर्ट बनाया हुआ है जी, लाइक इसमें आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, आपको कॉन्टिनेंटल फूड्स,
सबवे, लाइक सबवे है, पिज़्ज़ा हट है, बारिस्टा कॉफ़ी शॉप है, तो इस तरह के मल्टी ब्रांड्स आपको सारे मिल जाएंगे कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों को सब आज का जो यंग ब्लड है वो सब लाइक करते हैं, उसको सब मिल सकता है। आपने इन सब ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कब करी, कितने साल हो गए? ये कोलैबोरेशन हमने 2003 से स्टार्ट किया था, बट इनिशियली आपको पता है कि जब तक आप कुछ एक लेवल पे नहीं हो तो कोई भी एक अच्छा ब्रांड आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं होता। सबसे पहले तो हमने अपना एक हाइजीन, अपने ब्रांड जो नीलकंठ स्टार ढाबा है करनाल, उसको एस्टेब्लिश किया। ये शुरुआत कहाँ से होती है, क्या सबसे पहले ये जो भी आउटलेट हम देख रहे हैं ये आप ही ने शुरू किया था? मैं आपको बताता हूँ, ये 97 में टिपिकल ढाबा होता था, टिपिकल जहाँ कहते हैं हरियाणा में मंजे पड़े होते थे बाहर, तो टिपिकल ढाबा जी, कोई नीचे ग्रेनाइट तो बहुत दूर की बात है, नीचे ब्रिक्स भी नहीं थी, ईंटें भी नहीं थी। तो उस टाइम पे जब इसको शुरू किया तब हमने रेंट आउट किया, तब हम लोग अपनी लाइक टेंथ और प्लस वन में होते थे। ये ज़मीन आपकी थी लेकिन आपने रेंट पे किसी को दी? एक्जेक्टली, ज़मीन हमारी थी, सिर्फ हमने इसको रेंट आउट एक टिपिकल ढाबा बना के, जस्ट मैक्सिमम आप लेके चलो 400 स्क्वायर फीट का एक हॉल होगा। अच्छा, तो उसके बाद वो नहीं सर्वाइव नहीं कर पाए, जिनको हमने रेंट पे दिया वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो दो तीन पार्टनर्स ऐसे चेंज हुए, फाइनली एक वाइंड अप की उस पर सिचुएशन पर आ चुका था। बट एट दैट टाइम 2003 में जैसे ब्रदर हमारा जो बेस है वो एग्रीकल्चर बेस है, तो आपकी जो मेनली ऑक्यूपेशन थी आपकी फैमिली वो एग्रीकल्चर थी। ऑक्यूपेशन हमारा जो आप पेरेंटल बिजनेस कह सकते हैं उसको, वो खेती, हरियाणा में किसान ही मेन, यहाँ खेती ज़्यादा होती है, तो एग्रीकल्चर हमारा मेन बिजनेस है। तो 2003 में जब सिंपल एक ग्रेजुएशन, जो कि होटल मैनेजमेंट में नहीं कह सकता, हमने कोई होटल मैनेजमेंट से कंसर्न कोई ऐसी एजुकेशन नहीं की, बाद में बुक्स स्टडी की है वो भी बिजनेस में आने के बाद, वी आर प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल। तो यहाँ आने के बाद 2003 में जब हम यहाँ आए हैं तो इस चीज़ को देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं, कस्टमर के क्लाइंटेज को समझा। सबसे पहले हमने जो ड्रिंकर्स थे हमने एक ही कंसेप्ट, एक लॉजिक हमारा बिजनेस करने का है, औरों का अलग अलग होगा, वी आर नॉट मच मैनेजमेंट वो थ्योरेटिकल, इतना प्रैक्टिकल हैं। हमने सिर्फ एक ही चीज़ लॉजिक पकड़ी है कि क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में आज भी अराउंड हम 40 मेंबर्स एक सिंगल घर में रहते हैं, सिंगल किचन है। यस, अगर आपको वहां पे आज के टाइम में तो काफी एक्चुअल नॉट, मतलब आज के टाइम में जब चार लोग घर में होते हैं आप 40 बता रहे, काफी यूनिक है। और सबसे बड़ी बात, 40 मेंबर एक घर में रहना मैटर नहीं करता, जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होते फादर साहब, तो वो इकट्ठे लाइक लेडीज अलग डिनर करती हैं, इकट्ठे करती हैं, जेंट्स अलग करते हैं। तो वो जो एक लॉजिक है कि बेटी होना, एक जिसके पास बेटी नहीं है, जिस घर में बेटी नहीं है, मैं उस घर को घर अच्छा हो सकता है, बट मैं मानता हूँ जिस घर में बेटी है, हमने वो लॉजिक यहाँ सब किए। हमारी हर टेबल पे आप जैसे इधर देख रहे हैं तो हर टेबल पे अंदर चक्कर मारा थे, थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा आपके रेस्टोरेंट। तो हमारी हर टेबल पे जैसे लेडीज है, हमने वो कंसेप्ट यहाँ शुरू किया, ड्रिंकर्स को अलाउ नहीं किया। यस, लाइक आप इधर देख रहे हैं तो हर टेबल पे आपको लेडीज मिलेगी। पर ये आपने कैसे इंश्योर किया यहाँ पर ऐसी एम्बियंस प्रोवाइड करी कि जो जितना फीमेल्स हैं वो आना पसंद करें, सेफ्टी के लिए कुछ आपने मेजर्स लिए? सेफ्टी के लिए हमने कहे कि बाहर जैसे प्रॉपर लाइट्स, प्रॉपर हाइजीनिक जी, और उसको इतना ही एम्बेलिश किया सो देट कस्टमर्स को आने के लिए अट्रैक्ट किया गया है कि वो कस्टमर एक बार आए, एक बार विजिट करे, वो प्रॉमिस प्रेमिसेस को इतना स्ट्रॉन्ग किया है जी। सो तरुण जी आप एक बार दिखा दीजिए पूरा उसको। मैं आपको थोड़ा चल के दिखाता हूँ, आप दिखा दीजिए, हम बात कर रहे हैं। हाँ जी बताइए सर जी। तो चलते चलते तो आपकी वो काफ़ी प्रायोरिटी रही कि जो इससे पहले के ढाबे थे, जो रेस्टोरेंट्स थे, वहाँ पर मेल की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिखती थी, आपको फीमेल्स की प्रेजेंस और बढ़वानी थी ताकि वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा दिखे और कंफर्टेबल फील करें। वो एटमॉस्फेयर जब हमारे, हमने उस चीज़ को फोकस किया, फैमिलीज के लिए कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए यहाँ, फैमिली डिस्काउंट्स ऑर्गेनाइज किए। जैसे कि मेरे को कोई वाक्य बताइए अगर कुछ ध्यान हो आपके तो। वाक्य लाइक हमने लाइव बैंड शुरू किए जो कि जेटी रोड पे कब उस टाइम पे नहीं था, और ये बात मैं आपको कर रहा हूँ 2005, क्योंकि 2003 में जब हम आए हैं सबसे पहले तुमने बिल्डिंग को चेंज किया है, क्योंकि बिल्कुल टिपिकल ढाबा होता था तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, यहाँ कोई फ्रिज नहीं होता था, ए सी तो बहुत दूर की बात है, फ्रिज भी नहीं था, फ्रिज भी 2003 में हमने सबसे पहले यहाँ रखे हैं। तो जब यहाँ लाइव बैंड्स वगैरह मैंने रखा, न्यू ईयर पे फंक्शन रखे, फैमिली एटमॉस्फेयर रखा, सिक्योरिटी रखी सो दैट कि जब फैमिलीज मेरे यहाँ विजिट करती है
तो उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देने के लिए उनको सिक्योरिटी रखी गई ताकि वो सेफ, और जब वो आना शुरू हुए तो एक फैमिली से दूसरी फैमिली ऐसे उन लोगों ने माउथ टू माउथ ऐड की, और आज आप देख सकते हैं कि मेरा आज वो एक साउंड मेरी सिचुएशन हो गई कि आज मेरे हर टेबल पे फैमिली है। यस, अच्छी बात। अच्छा तो सर, ये जितने भी आप ब्रांड्स मुझे बता रहे थे, इनके साथ जो आपकी एसोसिएशन हुई वो रिसेंट ईयर्स की बात होगी, जैसे सबवेज जैसे 5-6 साल पहले की बात होगी, तो उससे पहले इतने बड़े प्रेमिसेस में क्या क्या कुछ और भी होता था या छोटा प्रेमिसेस था वो? सबसे पहले 2003 से 2007 में सबसे पहले मेरे पास ब्रांड आया। जो बीच के 4 साल हैं इसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपने आप को। रेडियो जब आया, जब कोई ऐड करने की सोचता नहीं था, तब मैंने अपनी ऐड की है नीलकंठ स्टार को ब्रांड बनाने के लिए। नीलकंठ स्टार मतलब स्टार क्यों जुड़ा है उसके बाद? मुझे उसकी भी स्टार बेसिकली नीलकंठ स्टार के साथ एक आपकी आइडेंटिफिकेशन पे मैटर करती है। आपका नाम जो होता है, स्टार वर्ड आने के बाद ये एक माइंड में सेट हो जाता है। लाइक ढाबा आते ही जैसे होता है कि आपको वो पंजाब का खाना, टेस्टी खाना मिलेगा, और स्टार का नाम आने के बाद ये होता है कि आपको क्वालिटी मिलेगी, एम्बियंस स्टार वाला एम्बियंस होगा। तो एटलीस्ट थोड़ी सी लो मार्केट लग रही होती है वो नहीं लगती है। अगर ढाबा होता है तो लगता है कि यार ऐसा ना हो कि ट्रक वाले भी वहीं पर आ रहे हैं और हाई जेंट्री फैमिली। एक्जैक्टली। फिर जब हमने पहले नीलकंठ ढाबा रखा हुआ था तो लोगों ने जब थोड़ा नाम चलने लगा तो ढाबा कॉपी किया, फिर हमने नीलकंठ स्टार। तब तक हमें ये बिजनेस के असूल्स का इतना नहीं पता था, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना ये सब कुछ। बाद में नीलकंठ स्टार को, नीलकंठ स्टार ढाबा को, नीलकंठ स्टार को ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया। हम चलते थोड़ा इस तरफ तो गिफ्ट है। उसके बाद से फिर वो कस्टमर एड ऑन होना शुरू हो गया। अच्छा, और फिर जब से ये सबवे, हमें इसका बहुत बेनिफिट मिला है। आप जैसे दिल्ली में देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर अनशन में जो पार्टिसिपेट किया, आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। थोड़े शब्दों में बता सकता हूँ तो जब से ये पिज़्ज़ा हट और जो ये ब्रांड्स आए हैं, नो डाउट सबसे पहले तो ये ब्रांड्स लाने के लिए हमें बहुत 4 साल बहुत ऐड करनी पड़ी है, बहुत इसके लिए। अन्ना हजारे कौन है और अरविंद केजरीवाल कौन है वो आप लोग अच्छी तरह बैठे। अन्ना हजारे जी और इनका एग्जांपल, केजरीवाल जी का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि केजरीवाल जी अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे अच्छे इंसान अभी भी हमारे में कैलिबर बहुत है, हमारे इंडिया में बहुत कैलिबर है, लेकिन उस कैलिबर को शो करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको किसी ना किसी मौके को तलाशना होगा, प्लेटफॉर्म चाहिए। आप एग्जैक्टली उस प्लेटफॉर्म, जैसे अन्ना हजारे जी उनको प्लेटफॉर्म मिले हैं केजरीवाल जी को, ऐसे मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है वो ये सब ब्रांड खुद एक बार बेस करने के बाद, उसके बाद मैंने लाइक पिज़्ज़ा, सब, बारिस्टा, डोसा, बास्किन रॉबिन्स, जितने भी ये अच्छे ब्रांड्स हैं वो मेरे पास आए फ्रॉम फर्स्ट डे। इनसे मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेक इवन जो होता है, ब्रेक इवन नहीं, प्रॉफिट मुझे यहाँ से मिलना शुरू हुआ। एक प्रॉफिट मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी फैमिली मिलनी शुरू हुई है और मैंने उनको इमिडिएटली फोकस किया। फिर सबसे बड़ी बात, हमने आज तक भी कैश काउंटर पे हम आज भी बैठते हैं, हमने आज तक भी कैश काउंटर को नहीं छोड़ा कि मैनेजर रखा और हम पीछे। अच्छा, आप पर्सनली बैठते हैं? एग्जैक्टली पर्सनली बैठते हैं, आज भी बैठते हैं। आप अकेले चलाते हैं ये आपके अलावा भी? मैं और ब्रदर हैं। आपके ब्रदर? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ज्वाइंट फैमिली है जी। तो ब्रदर उससे हम छोटे होते थे, आज अब हमारा जो एक नया, आप लोगों की ब्लेसिंग से एक नए 2 में वेंचर और मेरे शुरू हो रहे हैं, एक मूर्थल में शुरू हो रहा है जिसको कि मैं एक, आप कह सकते हैं कि 5-star सेगमेंट में मेरी ग्रीन प्रॉपर्टी बन रही है, और एक मैं बना रहा हूँ करनाल ऑडे शोरूम, करनाल ही पड़ता है यहाँ से अराउंड 4 kilometers अहेड टूवर्ड्स दिल्ली, एक मेरा वहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है। तो नेक्स्ट ईयर मेरे 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सेम ऐसे लाइन से सबवे मैंने सेक्टर 13 भी हमारे करनाल में अर्बन स्टेट, अर्बन एरिया है, वहाँ भी मैंने लास्ट 2 ईयर एगो मैंने वहाँ शुरू किया है, उसका भी मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सबवे की फ्रेंचाइजी जो आप सामने देख रहे हो, और आपकी टैगलाइन है खाओगे ते रखोगे याद, पंजाबी टैगलाइन रखिए ताकि पंजाबी तड़का लग जाए खाने में भी, और एटलीस्ट उसकी जो परसेप्शन बनती है एक रेस्टोरेंट की, आउटलेट की, वो पंजाबी बन जाए। सर देखिए, जो पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में पंजाबी खाने का तो खैर जवाब ही नहीं है, कोई तो जो लाजवाब है। तो ये जो खाओगे ते रखोगे याद, ये टैगलाइन मेरी रजिस्टर्ड टैगलाइन है। अच्छा। क्योंकि जो मेरा खाना है ओवरऑल, मेरा सब कुछ भी आप जो क्वालिटी चेक करोगे, आज क्वालिटी की वजह से ही हम सर्वाइव कर रहे हैं। एंड सेकंड, ये स्पेशल टैग लाइन है मेरी खीर के लिए, जो कि खीर मेरी, मेरा हर चीज़, आप क्वालिटी चेक करोगे तो हर चीज़ में आपको लाजवाब नज़र आएगी। आपके यहाँ पर क्या सबसे अच्छा मिलता है खाने को अगर किसी ने ट्राई किया? अगर आप पनीर की बात करते हो तो कभी आप मेरा पनीर लबाबदार, जिसको पनीर बटर मसाला बोलते हैं, अगर आप वो ट्राई करोगे जी तो बेहतरीन। अच्छा। सीजनली तवा वेज,
अगर आप वो ट्राई करोगे तवावेज जो मेरा आता है वो प्रॉपर, उसके ऊपर मक्खन और वो जो महक, अगर एक बार तवावेज किसी एक टेबल पे मैंने मंगा लिया तो वो चारों तरफ उसके जो अरोमा है अरोमा सारे रेस्टोरेंट में घूम जाएगी। सेकंड अगर आप, अब जो सीज़न में सर्दियों के सीज़न में आ जाता है मेरा सरसों साग मक्की रोटी, एग्जैक्ट खाओगे तो रखोगे यार। पंजाबी बिल्कुल आपने टेस्ट बरकरार रखा है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो स्टार ढाबा है सर, ये भी आपका मतलब आपका रजिस्टर्ड ढाबा है? Exactly. जो पूरे रेस्टोरेंट में एक आउटलेट स्टार ढाबा चल रहा है, ये आपका अपना है, यहाँ पर आपका अपना खाना मिलता है? एक्चुअली क्या है कि लाइक नीलकंठ स्टार पूरा एक ब्रांड का नेम है जी, ये कंबाइंड हो गया जिसमें कई सारे ब्रांड एसोसिएटेड है। आगे फर्दर हमने भी जब एक माइंड सेट किया हुआ है कि हमें यहाँ तक नहीं रहना, यंग एज है, हमें बहुत मेहनत करनी है, बैठना नहीं है। आज नीलकंठ स्टार के नीचे आ जाता है स्टार ढाबा, लाइक कल हम कॉफी का ब्रांड ऐड करते हैं तो स्टार कॉफी, लाइक इस तरीके से। तो अब स्टार से आगे फर्दर उसको प्रोसीड कर रहे हैं। यस यस, तो नीलकंठ स्टार को हमने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, देन हम स्टार कॉफी, स्टार ढाबा, इस तरीके से हम इसके साथ चलने वाले हैं। अच्छा सर, आपने मेरी आपसे पहले बात हो रही थी तो मेरा मुझे ऐसा लग रहा था आपका बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर लड़कियों की सेफ्टी, लड़कियों को कंफर्टेबल फील हो रहा है नहीं और फैमिलीज़ को कंफर्टेबल फील हो रहा है नहीं, इस पर बात होती है। तो मुझे इससे एक वाक्य याद आता जो मैंने सुना है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप हमसे वो शेयर करें कि 2016 फरवरी में जब यहाँ पर जाट एजिटेशन चल रही थी हरियाणा में, हालांकि हम करनाल में खड़े हैं और टोल के आगे जो पानीपत पड़ता है, पानीपत सोनीपत में उसका ज़्यादा असर था, करनाल में इतना नहीं था, लेकिन फिर भी ये जीटी रोड है, लोगों को एयरपोर्ट से जाना है, अपनी मीटिंग्स के लिए दिल्ली जाना है, नेशनल कैपिटल जाना है, बहुत लोग आ जा रहे थे। तो हमें सुनने में आया था कि उस टाइम भी लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी, तो उनके रेस्क्यू के लिए नीलकंठ सामने आया था, तो क्या था सर वो वाक्य, थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली वो 21, 22 और 23 फेब उस टाइम पे वाकई बहुत यहाँ रियर्स, बहुत दंगे और बहुत कुछ अजीब हो गया था, उन कारणों पे हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या था कि उस टाइम पे भी मेरे पास जो मेरी डेली की जो फुटफॉल है अराउंड 4,000-5,000 मेरी फुटफॉल रहती है डेली का, तो उस टाइम पे अब हाईवे NH1 है, इस पे रूटीन से लोगों के एग्ज़ाम भी रहते हैं, किसी काम से निकलना पड़ता है, वो अर्जेंट बहुत। मेरे पास उस टाइम पे 21, 22, 23 फेब को 300 से 400 तो मिनिमम मेरे पास डेली यहाँ शेल्टर, और होम शेल्टर कोई भी दे सकता है, शेल्टर कोई भी दे सकता है, मेरे पास सिक्योरिटी, क्योंकि वो सिचुएशन मेरे पास यंग बच्चे, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, लेडीज़ सब कुछ, बुज़ुर्ग सब मेरे पास रुके हुए थे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दंगे फैले हुए थे, पूरे हाईवे को तो बहुत ज़्यादा टारगेट किया हुआ था। तो उस टाइम पे मुझे पता है कि जितने भी मेरे नॉन्स थे, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी के लोग मेरे पास सिक्योरिटी के लिए एक इमीडिएटली आ गए थे, जिनकी सिक्योरिटी हमने पीछे रखे, जो कि हमने पीछे पूरा कवर किया हुआ था, सो दैट कोई भी होटल, क्योंकि जब भी ये दंगे होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा धर्मशालाएँ, होटल और हॉस्पिटल, जिनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि 24/7 ये वर्किंग में होता है। तो उस टाइम पे नो डाउट हमें बहुत बहुत मुश्किल हुई है, बट एक खुशी हुई है कि परमात्मा ने एक अच्छा हमसे काम करवाया कि हमें वो सेवा करने का मौका मिला है। मौका गलत था लेकिन सेवा करने का उस टाइम पे मौका बहुत अच्छा मिला, हमने फ्री खाना, फ्री शेल्टर उनके कितने साथ लोग रहे होंगे सर तब लगभग डेली का? सर मेरे पास 400 के अराउंड लोग मेरे पास रहे हैं, डेली रहे हैं जो मेरे पास, फुटफॉल ज़्यादा रहती है। पीछे एक जगह थी जहाँ पर एक शेल्टर दिया आपने, और शेल्टर के अलावा उनका खाना रहना, फ्री खाना था, फ्री रहना था उनको, इवन उनका मन लगा रहे क्योंकि सिचुएशन ना वो चंडीगढ़ की तरफ निकल सकते थे ना वो दिल्ली, जो जहाँ फंस चुका था वो 3 दिन वहीं फंसे रहे हैं, तो उनको यहाँ हमने, ताकि उनको एक एक डर ना पैदा हो जी, एक ऐसा माहौल ना हो कि किसी को कुछ हो ना जाए, बच्चे भी थे, फैमिली भी थी जी। तो उस टाइम पे यहाँ उनको बैट बॉल, बैडमिंटन, लूडो एंड इस तरीके से एक फैमिली एटमॉस्फेयर दिया, उनको ये ना लगे कि वो किसी तरह के दंगों में फंसे हुए हैं, उनको ऐसा फैमिली हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया सो दैट उनको उनके मन से डर निकाला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये टीवी न्यूज़ चैनल्स बंद कर दिए थे सो दैट उनको एक डर पैदा ना हो कि बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत मतलब एक आज वो ब्लेसिंग्स भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से, न्यूज़ चैनल्स की वजह से वो बात बाहर गई है और लोगों ने और इन मतलब अंदर और एक डेडिकेशन पैदा हुई है कि हमें और अच्छा अपने देश के लिए करना चाहिए। और ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हम सबका कर्तव्य है और राइट है हमें कि हमें खासतौर पे बेटियों के लिए तो बहुत जी।
जागरूक रहना चाहिए। और अच्छा, मैं आप कुछ और रिमार्क्स देना चाहेंगे या मैं आपसे अपनी खीर खाने के लिए डिमांड कर दूं, आप मुझे खीर खिलवा दीजिए और मैं ताकि अपने दर्शकों को एटलीस्ट एक चीज़ का तो डेमो दे सकूं कि मुझे यहाँ की खीर कैसी लगी, है ना। बोला बेटा खीर खिला भौजी को, जो आपके हमारे सबसे बड़े, हाँ जो यहाँ की खीर बनती हो मुझे वो खीर खिला दीजिए। बाकी सर मुझे बेहद अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब लगता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी की अर्निंग होने लग गई है, लोग कभी कनेक्ट नहीं कर पाते किसी ओनर से, एम्प्लॉई से तो फिर कर लेते कि लोग इतने यहाँ से आ जा रहे हैं, कभी शायद कोई कनेक्ट ना बिठा पाए कि अगर मुझे कुछ सेफ्टी की ज़रूरत थी तो मैं यहाँ के ओनर को अप्रोच कर सकूँ। आपने वो मदद करी तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी और शुभकामनाएँ भी कि आपने इसके बारे में इतना सोचा। आप अभी भी बैठोगे तो इस टाइम भी आपको कोई ना कोई सेलिब्रिटी यहाँ नजर आ जाएगी, वीकेंड पे अगर आप लेके चलो, फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा, कोई ऐसे सेलिब्रिटी है जिनका आप मेंशन करना चाहे जो यहाँ आए थे? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, संजय दत्त जी उनके साथ, मतलब एक्सप्रेस आदित्य पंचोली, ये 2007 की बात है। अच्छा, आदित्य पंचोली जी, संजय दत्त जी, ईशा देओल, अरे वाह, सोनाली बिंद्रे। अच्छा, तो मैं बता, मैं धर्मेंद्र जी का नाम लेने लगा था, फिर मुझे ध्यान आया कि उनका तो अपना ब्रांड अभय देओल आए, क्योंकि धर्म जी का तो अपना ब्रांड खुल गया, तो क्या पता वो आए ना। लेकिन वो बहुत मस्त आदमी है, उनके लिए वो यहाँ जब भी आएंगे तो रुकना पसंद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका पूरा रेस्टोरेंट पंजाब के रंग में डूबा है, कभी गुरदास मान आए? सर गुरदास मान जी, भगवंत मान, बब्बू मान, अरे ये सब सेलिब्रिटीज इतने खुशी होते हैं कि यहाँ रुकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि हमें पता होता है कि यहाँ बैठते इमीडिएटली क्रिकेटर्स, कपिल देव जी बहुत आए हुए हैं, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, जब उनका मोहाली मैच था। अच्छा, तो बाय रोड गए हैं तो वो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जबकि ये चंडीगढ़ टू दिल्ली पड़ता है, अगर दिल्ली टू आप चंडीगढ़ जा रहे हो तो ये ऑपोजिट पड़ता है, मैंने लेकिन बहुत से लोगों को देखा है जो आगे से यू टर्न मार के यहाँ पे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जीत है, यहाँ थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न है, लोग मेरी क्वालिटी के लिए, जिस क्वालिटी को आज मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मैंने उस क्वालिटी को मेंटेन कर, एक फैमिली एटमॉस्फेयर, ये दो चीज़ सबसे ज़रूरी हैं, इन दो को मेंटेन करने से यू टर्न लेके मेरे पास कस्टमर मेरे पास वापस आते हैं। मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, मैं आपके सामने ही इसको खा के देख लेता हूँ। अब कैमरा पर तो मैं एक ही स्पून खा पाऊँगा। काफ़ी अच्छी है सर, ये तो आइसक्रीम जैसी लग रही है। वाह सर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हिस्ट्री बताना चाहूँगा सर, ये खीर जब मैंने 2004 में स्टार्ट की तो लोगों तक मुझे टेस्ट पहुँचाना था। आए, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, ये बहुत छोटे आए थे हमारे पास, कैप्टन है, बहुत पुराने हैं। अच्छा, बहुत पुरानी टीम है हमारी। तो जब 2004 में हमने एक खीर का बनाई थी तो लोगों तक ये टेस्ट पहुंचाना था, लोगों को दिखाना था कि हम अच्छी चीज़ बनाते हैं। हमने खीर, लाइक आपने 100 रुपीज़ का ऑर्डर मुझे किया है तो मैं एक खीर कॉम्प्लीमेंट्री आपको देता, 200 का दिया तो दो खीर मेरी कॉम्प्लीमेंट्री आपको जाती थी, लोगों को तो पता लग गया कि हाँ क्वालिटी है। तब मैंने ये 20 रुपीज़ की खीर सेल करनी शुरू की आफ्टर 6 मंथ, जब थोड़ी थोड़ी डिमांड आने लगी। हाँ, देन जब उसके बाद लोगों की डिमांड इतनी हो गई, मैं उस भगवान का शुक्र गुजार हूँ कि मेरी डेली की 500 जो खीर थी वो कंजप्शन ख़त्म, अब डेली मेरी 1000 खीर बनती है, मॉर्निंग में बनती है बट इवनिंग तक ख़त्म, इवनिंग में जो बनती और है पैक्ड भी है तो लोग ले भी जाते होंगे। एग्जैक्ट, पैक्ड है और प्रॉपर लेबल से पैक्ड है। हाँ, उस पर प्रॉपर मेंशन रहता है सारा, नीलकंठ स्टार ढाबा, इंग्रेडिएंट्स सब मेंशन रहता है, नीलकंठ स्टार ढाबा। बढ़िया, तो बहुत सारे, मतलब इसकी अब इतनी डिमांड आ चुकी है कि मेरा स्टॉक जो मॉर्निंग में बनता है, लाइक मॉर्निंग में 7 बजे बनता है, वो मेरा शाम को 5-4 बजे तक मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाता है, जबकि 24/7 चल रहा है, 24/7 चल रहा है। तो ये मुझे आज खुशी है इस चीज़ की। और दूसरी सबसे बड़ी मेरी जो जीत मैं कह सकता हूँ, किसी भी एंटरप्रेन्योर के पीछे, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, किसी भी एंटरप्रेन्योर के पीछे जो उसका जो रूट बोलते हैं वो है उसका स्टाफ, जो सबसे पुराना मेरे पास 2003 में जब हमने शुरू किया है ये तब से मेरे पास हैं, जितना भी मैक्सिम स्टाफ जो मेरे पास बिल्कुल छोटे आए थे अब वो बड़े तब से, जिनकी फैमिली यहाँ रहती हैं, उन्होंने आके कि हाँ यहीं भौजी के पास काम करना, और हम सब मालिक हैं और हम सब नौकर हैं, कस्टमर के लिए हम सब नौकर हैं और मेरे यहाँ सब मालिक हैं मेरा। चलिए सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप ऐसे ही लोगों को अच्छा खाना खिलाते रहिए और ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आते रहिए, है ना। सोसाइटी को भी पे बैक करना होता है किसी तरीके से, आप वो कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है।
और आप सब लोग देख रहे हैं दी ललन टॉप, और मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे हैं तरुण, और मैंने जो इस वक्त टी शर्ट पहनी हुई है ज़िंदगी ललन टॉप, अगर आपको वो पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं। शुक्रिया।